अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी यूस्टा। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अलहमदुलिल्लाह ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। मैं खा रही हूँ अंडा एंड ब्रेड। तो मैं खा रही हूँ अंडा ब्रेड, मुझे लग रही थी भूख। नाश्ता तो मैंने कर लिया था, बट मैंने अंडा ब्रेड नहीं खाया था नाश्ते में, तो मैंने सोचा अभी खा लेती हूँ। तो मैं इसलिए अब खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने लिए अंडा बना के लाई हूँ तो वो खा रही हूँ। अम्मी हमारी जा रही हैं, अम्मी जा रही हैं, उमर की तबीयत ख़राब हो रही है तो भाभी के साथ उसे डॉक्टर के पास लेके जा रही हैं। अम्मी अभी आई थी, अब फिर जा रही हैं। पता नहीं क्या हुआ उसे, उसको इमोशन आने चाहिए। तो मैं पहले अपना अंडा खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए सब हमारे अहमद नहा कर आए हैं, अभी प्यारे लग रहे हैं ना, ये शरीफ बच्चे लग रहे हैं। इन्होंने अपने हेयर देखे कैसे बनाए, अच्छे लग रहे हैं हमारे अहमद। अहमद के ना तुम तब बनाती ना जब मैं नहा कर आता व्लॉग, तो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट करा है अपना व्लॉग अहमद, बिल्कुल जस्ट अभी। और मैंने अपना अंडा खा लिया। आप कुछ कहना चाहते हैं अहमद, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये कुछ नहीं कहना चाहते। अबू बकर क्या हुआ आपके भाई को? तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ था उसे? अल्लाह ना करे जल्दी से आ जाए घर। क्या खाया था उसने? गलत खा लिया था क्या? कोल्ड ड्रिंक पी ली थी। उमर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। अम्मी और भाभी से हॉस्पिटल लेके गई, उसको पता नहीं क्या हो गया उमर को। जल्दी से आप लोग दुआ कीजिएगा कि उमर जल्दी से ठीक हो जाए, है ना वो बकर? तुम भी दुआ करो ठीक है। ये हमारे पास आए हुए हैं क्योंकि इनके घर में कोई है नहीं, तो यहाँ पर छोड़ के गई हैं इन्हें, और अम्मी और भाभी हॉस्पिटल गई हैं। आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, उमर छोटा सा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। पता नहीं उसे क्या हुआ, यहाँ से कल बिल्कुल ठीक गया है, बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं हुआ था उसे। और आज दोपहर को पता नहीं उसको क्या हो गया, बता रहे हैं कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जल्दी से ठीक हो जाए छोटा सा बच्चा। 3 hours later मैंने अम्मी से फ़ोन करके बात करी थी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, तो अम्मी बता रही हैं कि मतलब उसको मोशंस वगैरह वोमिट हो रही थी, मोशन हो रही, उसकी वजह से ना उसके पानी की कमी हो गई है। तो डॉक्टर वो पिला रहे हैं उसको, ड्रिप नहीं लगाई, वो कह रहे हैं नहीं बच्चे की ड्रिप नहीं लगेगी, तो वैसे ही पानी दे रहे हैं, वैसे दवाई चढ़ा रहे हैं, तो मतलब मुँह के ज़रिए। तो बस आज तो मेरा व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा, बस बच्चे जल्दी से घर आ जाए, बट अभी वो पानी पी नहीं रहा, उसकी हालत ऐसी हो रही ना, तो इस वजह से वो वैसे ही लेटा हुआ है। बस जल्दी से घर आ जाए यही है, अम्मी के नहीं देखते हैं, अगर ये पानी वानी पी लेगा सही हो जाएगा ना थोड़ा, तो मतलब जो उन्होंने दवाई बनाई है घोल वगैरह क्या होता है वो एनर्जी ड्रिंक टाइप, तो वो पी ले वो कम से कम। वो यूँ कह रहे हैं कि पाँच वो पिलाओ उसको पूरी, वो छोटी वाली जो बॉटल होती है वो, तो ठीक होगा, टेंशन जल्दी से ठीक होकर घर में आ जाए दुआ यही है। हम पी रहे हैं अब चाय, हमारी बन गई चाय और ब्रेड। देखिए मत क्या दिखाऊँ आपको, ये पता नहीं इन्होंने ये मैं कटिंग की जो कपड़ा बचता है ना, इन्होंने ये पता नहीं क्या कर रखा है, यहाँ गिठाएँ लगा लगा के इसको इतनी लंबी कर रखी है, यहाँ से लग अहमद बावले ने। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। अभी अम्मी का फ़ोन आया है, वो कह रही है उमर की उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया है हॉस्पिटल से, तो अब वो लोग घर आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि घर आ रहा है। तबीयत तो उसकी थोड़ी ठीक है, बट अभी पूरी ठीक नहीं है, बट डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, तो अब वो घर लेकर आ रही हैं। अम्मी घर में आ चुकी हैं, अम्मी से पूछते हैं उमर की तबीयत कैसी है अब, ठीक है? कैसी अम्मी उमर की तबीयत अब? ठीक है अम्मी, तेज बोल आवाज़ नहीं जाएगी अब तो, सही है उमर की तबीयत। अच्छा सही, डॉक्टर ने क्या कहा उसे? पानी कमी बताइए, पानी कमी बताइए। अच्छा 10 उल्टियाँ हो रहे हैं उसे। अच्छा हाँ, वही मैंने बताया था वोमिट एंड लूज मोशन, लेकिन उन्होंने सही हो गया। हाँ तो हॉस्पिटल में करते हैं, हॉस्पिटल ले जाना इसलिए सही रहता है कि जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने क्या हम ड्रिप लगा तो फिर उन्होंने लगाई। अच्छा तो उसका वजन उन्होंने करवाया, फिर टेम्परेचर वगैरह उन्होंने करवाया, तो उन्होंने क्या कि वजन तो सही है उसके हिसाब से। अच्छा तो उन्होंने फिर क्या नहीं कुछ काम खाने के लिए देंगे इसको, हम ड्रिप में लगाते। अच्छा वैसे खाने के लिए नहीं। अच्छा दवाई वगैरह भी दोगी? अच्छा वहीं पिलाई दी भी होगी। हाँ तो घर में अब तो नहीं आ रहे उल्टी और? नहीं अब तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा उनके सामने ना, केला खा रहा था। अच्छा तो कहने लगा बच्चा तो सही है, सही खा रहा है फिर? अच्छा सही था, लग रही थी कल से कुछ नहीं खाया हुआ था वो। अच्छा फिर उसको मतलब उन्होंने
उन्होंने कहा नहीं सही है आप जो है इसको घोल उन्होंने दिया है कि इसको खिलाना इसको पिलाना और दवाई भी उन्होंने दी। फिर 7 दिन बाद बुलाया अगर फिर भी उसको आए तो फिर 7 दिन बाद लेकर आना। अच्छा सही है, वैसे तो वो सही होशियार हो गया, होशियार हो गया। अम्मी कह रही हैं सही है अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद की तबीयत सही है। अल्लाह तो उमर की तबीयत ठीक है, अहमद निकलता रहता है, अहमद रहता है ना सारा दिन घर में तो अहमद अहमद निकलता रहता है। उमर की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हम लोगों की दुआ कर रहे थे कि जल्दी से घर आ जाए, ठीक हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। अनमापी का भी फ़ोन आया, अनमापी को भी बताया वो भी टेंशन हो गई थी, फिर मैंने उनको फ़ोन करा कि नहीं अनमापी हॉस्पिटल मत जाना, अब वो मम्मी घर लेकर आ रही है, अब ठीक हो गया। तो अब वो भी नहीं जाएंगी, वो शादी घर वर में आएंगी देखने या फ़ोन कर लेंगी। तो सब सही है, सब ठीक है, तबीयत ठीक है। जो भी ब्लॉग देखेगा सबको पता चल जाएगा कि अब ठीक है उमर की तबीयत, अब कुछ नहीं हुआ। आप लोगों की दुआ से हमारी दुआ से वो ठीक हो चुका है। हम करने लगे हैं अब डिनर, खाने का टाइम हो चुका है, तो खाना खाने खाने बनाए कोई सा सालन, तो सालन खा रहे हैं, ये खा रहे हैं हम। हमने खाना खा लिया है, खाना खा के जस्ट अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर, एंड वो जो सालन था ना पाए बनाए थे पापा ने, इतनी गर्मी में पाए बना के बैठे मेरे पापा, ताकि हमारे फेस पर और दाने निकल रहे हैं जो गर्मी की वजह से निकल रहे हैं ना, तो वो निकल उनका बस जो दिल करता है ना पापा का खाने का तो वो ही ले आते हैं, तो उनको पाए अच्छे लगते हैं, वो पाए ले आते हैं, वो ये नहीं देखते कि गर्मी है या ठंड है, तो गर्मी में उन्होंने पाए खिलाए, तो हमने पाए खाए। और इसी के साथ हमने ब्लॉग करते हैं मेरी, एंड आज बस यही मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया क्योंकि उम्र की वजह से थोड़ा टेंशन में हो गई थी, तो मेरा बिल्कुल भी कुछ दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ शूट करूँ, मैं बस अपना काम कर रहा था आज, और टेंशन में कि वो बच्चा जल्दी से घर में आ जाए, ओ अल्लाह का शुक्र है वो घर में आ गया। तो उसी के साथ अपने ब्लॉग करते हैं फिर, एंड अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट तो लाजमी कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। कमेंट लाजमी करने की बात नहीं, सब्सक्राइब लाजमी करने की बात है, तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।